मिस्टर वीरेंद्र प्रताप सिंह सर आपके सामने है। हमें तो ये मौका नहीं मिला था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अरविंद जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? सर बढ़िया है एंड ठीक है। कहाँ से बात कर रहे हैं दोस्त आप? सर मैं अभी मध्य प्रदेश इंदौर से बात कर रहा हूँ। क्या करते क्या हैं आप, बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? सर बाय प्रोफेशन तो सर मेरा इस साल फर्स्ट ईयर से मतलब कॉलेज स्टार्टिंग करना है एंड बिजनेस के बारे में सुना तो बिजनेस भी बिल्ड करना है साथ में। तो इतनी क्यों आग लगी पड़ी अंदर से, मतलब इतनी क्यों जल्दबाजी है? सर जल्दबाजी तो हमेशा से थी बट फैमिली को भी देखा तो मतलब हर बात के लिए 100 रुपए कहीं पे भी दूर जाना रहता तो कहीं पैसे में दिक्कत आती है हर प्रकार से, मतलब आप समझ ही सकते हो। जी 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 तो उसके प्रकार ऐसा दिक्कतें चल रही थी फैमिली में मतलब, एंड पापा मम्मी तो दोनों घर ही काम वाम करते रहते एंड मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ और भाई है जो अभी अभी उसका हेवी लाइसेंस करवाया है तो अभी वो उसके हिसाब से गाड़ी चला रहा है। So, क्या सपना है आपका? सर सपना तो है सर मेरा सिर्फ छोटा सा है, आर्मी ज्वाइन होना जी। एंड फिर मैंने मेरे मतलब अपलायन राज दास सर से बात हुई थी मेरी, तो मैंने मतलब बोला कि उन्होंने भी पूछा था सपना, तो फिर मैंने बताया कि सपना तो मेरा सिर्फ इंडियन आर्मी में भले मैं 2 दिन रहूं या मतलब वापिस आ जाऊं बट सपना पूरा करना है, मतलब करना है। फिर मुझे क्योंकि मैंने पहले से ठान के रखा था कि सपना है ये है मेरा ही, बट अब ये आया बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग। अब सर अगर अब बोला जाए कि तेरा सपना क्या है तो मैं बिजनेस मतलब नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं, क्योंकि सर मैंने पहले से ठान के रखा है कि हाँ भाई मेरे को इंडियन आर्मी ज्वाइन होना है तो होना है। तो सर क्योंकि अब हाँ पैसे वाला आया, हाँ आर्मी में क्या मिलता है सर, मंथली 21,000 से स्टार्ट ही होगा एंड पूरा दिन तो बस अगर बंदूक आएगी तो हाथ में लेके बस इधर उधर घूमो, थोड़ा ध्यान से घुमाना ना, थोड़ा इधर उधर नहीं मतलब सीधा सीधा। सर फिर मैंने सोचा कि हाँ जो भी है बिजनेस तो मैं करूंगा ही करूंगा क्योंकि पैसे की तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मेरे पास अभी। एंड सर जैसे मैंने ज्वाइनिंग हुआ था तो सूरत गुजरात में गया था मैं जी। तो सर क्या बोलना चाहिए, वहां से मतलब मैंने कुछ मजदूरी की तो वहां से मैंने 3,200 रुपये कलेक्ट किए। फिर उसमें भी एक दिक्कत आ रही थी सर, मतलब ऑनलाइन हो नहीं पा रहा था तो कुछ दिक्कतें जा रही थी, ऑनलाइन इश्यू हो रहे थे तो मेरे मतलब राहुल सर ने, मैंने उनको ये प्रॉब्लम बताई कि सर हो नहीं रहा, तो उन्होंने बताया कि भाई तुम अभी कहाँ हो, तो मैंने बोला मैं सूरत गुजरात में हूँ, तो उन्होंने ब्रांचेस बताए, फिर मैंने मतलब उन्होंने लोकेशन एंड एड्रेस दिया तो मैंने उनके सहारे मतलब ब्रांच में जाके मैंने सामान परचेस किया। तो आपने 3,200 रुपए के सामान को परचेज करने के लिए पहले मजदूरी करी, आपने फिर वहां से पैसे कमाए, पैसे कमाकर फिर आपने ज्वाइनिंग करी। हाँ सर। क्या बात है। सुपर वर्किंग जी, सुपर वर्किंग। आपने पूरी तरह से स्पीचलेस कर दिया यार, मतलब मेरे पास तो कोई शब्द बचा नहीं आपके लिए बोलने के लिए, ये बोलना बहुत आसान है यार। एंड मतलब मैं बहुत सारे युवाओं से मिलता रहता हूँ, लोगों का कहना होता है हमारे पास पैसे नहीं है, लोग नहीं है, बहुत तरह की चैलेंजेस का भंडार रहता है उनके पास, बट स्टिल वो बात है आप भी बोल सकते थे, लेकिन आपने प्रॉब्लम्स चैलेंजेस नहीं, आपने सिर्फ पॉसिबिलिटीज देखी कि व्हाट्स द पॉसिबिलिटीज राइट नाउ, क्या क्या मैं कर सकता हूँ, और आपने बल्कि काम करके फिर आपने पैसे इकट्ठा करे। और डैम श्योर यार ये आपके 3,200 रुपये नहीं है, ना ही मेरे नजरों में ये मेरे लिए 32 लाख रुपए के बराबर है, 32 लाख के बराबर है, और इसकी अहमियत आपके लिए भी 32 लाख और 32 करोड़ के बराबर होगी, क्योंकि उस 3,200 को इकट्ठा करने में ना जाने कितनी मेहनत लगी होगी, कितनी रात दिन की आपकी मेहनत की कमाई होगी दोस्त, और निश्चित रूप से
आप बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे आप इस प्लेटफॉर्म से. सो थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.